हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पे अच्छा हूँ। फ्रेंड्स, दिसंबर 2017 सीएस का एग्ज़ाम, सीएस एग्जीक्यूटिव का एग्ज़ाम। आप जानते हैं सीएस एग्जीक्यूटिव के एग्ज़ाम में जीएसटी आ गया है और 30 नंबर का आ गया है। वो जो जीएसटी का पोर्शन है उसका मैंने कंप्लीट वीडियोस बनाया है और डिटेलिंग वीडियोस है, कोई रिवीजन वीडियो नहीं है, डिटेलिंग वीडियोस है। और एक एक टॉपिक को इन डेप्थ एनालिसिस के साथ बहुत डिटेल में प्रिपेयर किया है। आप चाहें तो ये वीडियोस बाय कर सकते हैं। हमारे नंबर जो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं, इन पर कॉल करके आप बात कर सकते हैं कि वीडियो को कैसे मिल सकती हैं। यू कैन बाय, और इसके थ्रू आप अपने दिसंबर 2017 एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं। हार्ड कॉपी में आपको नोट्स भी मिलेंगे और साथ में आपको पीपीटीज भी मिलेंगी, पूरा कंप्लीट पैकेज मिलेगा एक तरह से। लेकिन हमारी ये वीडियोस सिर्फ जीएसटी के लिए है। हम सीएस एग्जीक्यूटिव को अपना अभी फेस टू फेस चलता है हमारा, तो वो पूरा वीडियोस में अवेलेबल नहीं है। दैट इज ओनली फॉर जीएसटी। तो सो गाइस, जस्ट कॉल ऑन द गिवन नंबर्स। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे जीएसटी, और हमारी ये वीडियो है उन स्टूडेंट के लिए जो सीएस एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट हैं और जिनका एग्जाम दिसंबर 2017 में है। आप सभी जानते होंगे कि दिसंबर 2017 एग्जाम के लिए जीएसटी आपके सिलेबस में आ गया है, और वो भी 30 मार्क्स का। यानी कि जो पुराना था सर्विस टैक्स, वैट, सीएसटी, वो सब हट गया है और दिसंबर से ही जीएसटी आपके सिलेबस में है, और वो भी कंप्लीट 30 मार्क्स का। चलिए प्लीज उसी 30 मार्क्स को कवर करेंगे हम लोग और जीएसटी को यहां पर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जीएसटी, जैसा कि आप स्लाइड के ऊपर देख रहे हैं, जीएसटी जीएसटी इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, नॉट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स नहीं है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों का एग्जाम जो है वो पूरा एमसीक्यू है। तो मैंने क्या किया है, पहला ही स्टार्टिंग एमसीक्यू से किया है, और इसके साथ साथ जीएसटी के बारे में बात भी हो जाएगी। जीएसटी पहला, गुड एंड सिंपल टैक्स। नंबर टू, गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स टेक केयर। नंबर थ्री, घर संसार त्यागना। नंबर फोर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। हां जी, तो बताइए प्लीज जीएसटी का कौन सा फुल फॉर्म बिल्कुल सही है? गुड एंड सिंपल टैक्स, नो। गुड नाइट स्वीट ड्रीम एंड टेक केयर, नो। घर संसार त्यागना, बिल्कुल भी नहीं। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्योंकि आज हमने जीएसटी स्टार्ट किया है, तो मैंने कहा क्यों ना इसका नाम, इसका फुल फॉर्म और वहीं से स्टार्ट किया जाए। आइए प्लीज आगे बढ़ते हैं, इंपोर्टेंस ऑफ जीएसटी। जीएसटी का हमारे लिए क्या इंपोर्टेंस है? देखिए, ऐसा माना जाता है कि जीएसटी आने से 2% इंक्रीमेंटल ग्रोथ होगा हमारे जीडीपी में। जीडीपी में 2% इंक्रीमेंटल ग्रोथ होने की संभावना है। लेकिन ये 2% इंक्रीमेंट कैसे होगा, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कैसे होगा, मतलब कैसे बढ़ेगा, क्यों बढ़ जाएगा 2%, ये हम जरूर डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी तक तो मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि जीडीपी आने से, सॉरी जीएसटी आने से 2% का इंक्रीमेंटल ग्रोथ जरूर होगा। कलेक्शन ऑफ टैक्स, अगर मैं बात करूं कलेक्शन ऑफ टैक्स की, और ये प्रेजेंटली जो लिखा ना, इसका मतलब है अर्लियर, मतलब पहले, जीएसटी आने से पहले। डायरेक्ट टैक्स पहले भी था और वो आज भी है। डायरेक्ट टैक्स से जो हमारी कलेक्शन थी वो अराउंड 7.5 से 8 लाख करोड़ एनुअली होती है। 7.5 लाख टू 8 लाख एनुअली कलेक्शन जो है हमारी है, 7.5 लाख करोड़, यानी कि 8 लाख करोड़। इनडायरेक्ट टैक्सेस से जो हमारी कलेक्शन है वो अप्रोक्सीमेटली 15 लाख करोड़ है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर करती हैं। जैसे कि आप जानते हैं, इंडिया में जो अर्लियर इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए जाते थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लगाया करती थी। कुछ टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट, कुछ टैक्सेस स्टेट गवर्नमेंट। जैसे सेंट्रल एक्साइज सेंट्रल गवर्नमेंट लगाया करती थी, स्टेट एक्साइज स्टेट गवर्नमेंट लगाया करती थी, वैट स्टेट गवर्नमेंट लगाया करती थी, सीएसटी लगाती सेंट्रल थी बट उसका कलेक्शन जो था वो कंप्लीटली स्टेट करता था। और इसके अलावा और बहुत सारे टैक्सेस थे, जो सर्विस टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लगाया करती थी। तो सेंट्रल और स्टेट दोनों का जो कलेक्शन था ना, वो अप्रोक्सीमेटली 15 लाख करोड़ या उससे भी ज्यादा था। तो आप सोचो, इन सभी टैक्सेस को हटाना
और इन मतलब डायरेक्ट टैक्स को नहीं हटाया, जो जीएसटी आया है उसने सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स को रिप्लेस किया है, उसने इनडायरेक्ट टैक्स में लगने वाले टैक्सेस को रिप्लेस किया है। डायरेक्ट टैक्स पहले भी था, डायरेक्ट टैक्स आज भी है, यानी कि डायरेक्ट टैक्स में हमारे पास बचा हुआ एक ही टैक्स है, इनकम टैक्स, वो पहले भी था और आज भी है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस में बहुत सारे टैक्सेस थे जो इंडिया में पहले लगा करते थे, लेकिन वो सब हट गए हैं और आज उनकी जगह जीएसटी आ गया है। तो 15 लाख करोड़ का कलेक्शन को दांव पर लगाना और उसके बदले में जीएसटी लेके आना, पता नहीं सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, कोई मामूली काम नहीं है। सरकार ने कोई 2 मिनट में ये स्टेप नहीं लिया, इसे लेने के लिए बरसों टाइम लगा, बहुत टाइम लगा इसको लेने के लिए, क्योंकि 15 लाख करोड़ की कलेक्शन को दांव पे लगाकर एक नया एक्ट, एक नया सिस्टम इंडिया में लेके आना कोई इजी टास्क नहीं था। लेकिन गवर्नमेंट ने फिर भी वो काम किया, उन्होंने जीएसटी लेके आए और इसके बदले में 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस को खत्म किया गया और उसके बदले में एक एक्ट आया, जीएसटी। जीएसटी आया और जिसने खत्म किया अर्लियर 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस को। मेक जीएसटी विल फैसिलिटेट मेक इन इंडिया बाय मेकिंग वन इंडिया। जीएसटी आने से हमारा इंडिया एक होगा, मेक इन इंडिया बाय मेकिंग वन इंडिया। तो हाँ जी, इसके बाद हम करेंगे बात नीड फॉर जीएसटी इन इंडिया। जीएसटी इंडिया में क्यों आया, व्हाई जीएसटी केम टू इंडिया, क्या जरूरत थी जीएसटी को लेके आने की, पुराने टैक्सेस में भला ऐसी क्या कमी थी जो उनको हटाया गया और जीएसटी लाया गया, या फिर जीएसटी लाने से ऐसा क्या हो जाएगा जो पुराने टैक्सेस से बेहतर होगा और जीएसटी लाना चाहिए। तो नीड फॉर जीएसटी, व्हाई जीएसटी या नीड फॉर जीएसटी, फ्रेंड्स आज ना हम लोग इंट्रोडक्शन कर रहे हैं जीएसटी का, इंट्रोडक्शन। जीएसटी क्या है, जीएसटी क्यों है, जीएसटी कब आया, जीएसटी कौन लाया, जीएसटी कौन लगाएगा, जीएसटी को लाने का मेन रीजन क्या था, ये सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे। व्हाई जीएसटी, नीड ऑफ जीएसटी। अगर मैं बात करूं जीएसटी को क्यों लाया गया, जीएसटी की क्या नीड थी, तो मेरे पास यहां पर इसके 3 रीजन है। मैं 3 रीजन को लिखूंगा और मैं उन 3 रीजन को 1 by 1 इलेबोरेट करूंगा और आपको समझाऊंगा कि पुराने टैक्सेस में क्या था और नए टैक्सेस में क्या है, और जीएसटी पुराने टैक्सेस को खत्म करके नया टैक्स है। रीजन नंबर 1, मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस। पुराने टाइम में देर आर सो मैनी नंबर ऑफ टैक्सेस। अगर आप इंडिया में कुछ बनाते हैं तो ये आपने मैन्युफैक्चरिंग किया है, इसके ऊपर आपको एक्साइज डिपार्टमेंट से बात करनी पड़ेगी, इसके लिए आपको एक्साइज डिपार्टमेंट से डील करना पड़ेगा। बनाने के बाद आपने उसे बेचा है तो आपको सेल टैक्स डिपार्टमेंट से डील करना पड़ेगा, वैट पे करना पड़ेगा। अगर दूसरी स्टेट में बेचा है तो सीएसटी पे करना पड़ेगा। तो पहले बनाने पर एक्साइज ड्यूटी, देन बेचने पर सेल टैक्स और बड़े सारे टैक्सेस। मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस, देर आर नंबर ऑफ टैक्सेस, सो मैनी टैक्सेस। मतलब पुराने जमाने में हालत कुछ ऐसी थी जैसे एक कवारे लड़के की होती है, बैचलर की, जब वो घर में रात को लेट आता ना तो सबसे पहले दरवाजे पे उसकी मां खड़ी होती है, हाँ बेटा लेट आया है, क्यों लेट आया है, फिर वो बेचारा एक्सप्लेनेशन देता है कि ये वजह थी लेट आने की। मां पूरी बात सुन लेती है और फिर कहती है वो तो ठीक है पर अंदर तेरे पापा इंतजार कर रहे हैं, पहले उनसे बात कर ले, एक बार उनको जाके समझा दे लेट क्यों आया। लो पहले मां को समझाया, अब जाके पापा को समझाओ, पापा को समझाने के बाद दादा को समझाओ। भाई मतलब आपको 3-3, 4-4 लोगों को जवाब देना पड़ता है कि आपके क्या कारण है ऐसा करने के। अभी जब जीएसटी आ जाएगा तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस हो जाएगा खत्म, देयर विल बी सिंगल टैक्स। जैसे आपने सुना होगा वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, तो एक टैक्स होगा। फिर आपकी हालत एक शादीशुदा इंसान जैसी हो जाएगी, अभी दरवाजे पे मां नहीं खड़ी होगी, दरवाजे पे आपकी वाइफ खड़ी होगी, और अब आपसे और कोई भी नहीं पूछेगा कि आप लेट क्यों आए हो, बस आपको सारी एक्सप्लेनेशन किसी एक को ही देनी है। तो जीएसटी कुछ ऐसा ही है। जीएसटी मतलब जीएसटी में आपको जो एक्सप्लेनेशन देनी है वो अब 3-4 लोगों को नहीं देनी, एक को देनी है। मतलब मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस जो है वो खत्म हो जाएंगे और आपको जो कंप्लायंस करनी है वो सिंगल डिपार्टमेंट के साथ डील करना है। मतलब एक एक्ट लगेगा आपके ऊपर, दैट इज कॉल्ड जीएसटी। मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस को खत्म किया
और एक सिंगल टैक्स लाया गया। अभी मैं मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस को एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन दूसरा रीजन, एक बार मैं रीजन के नाम लिख दूं फिर मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा। दूसरा रीजन है कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स। पुराने जमाने में जब आप मैन्युफैक्चरिंग करते थे तो ड्यूटी लगती थी एक्साइज ड्यूटी, मतलब वो भी एक टैक्स था, एक्साइज ड्यूटी, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा एक्साइज डिपार्टमेंट को। जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपए की गुड्स बनाई तो उसके ऊपर 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी लग गई, अब आपकी वैल्यू हो गई 110, और जब सेल टैक्स लगा करता था तो वो 100 पर नहीं 110 पे लगा करता था, मतलब जो 10 रुपए आपने पहले टैक्सेस के नाम के दिए हैं उसके ऊपर भी अब आपको वैट देना पड़ेगा। तो ये हो गया टैक्स ऑन टैक्स। अब जब टैक्स ऑन टैक्स लगेगा तो ऑब्वियसली गुड्स महंगी होंगी, गुड्स महंगी होंगी तो कम बिकेंगी, ये तो नेचुरल है, डिमांड कम हो जाएगी। अभी आफ्टरऑल हमने इकोनॉमिक्स पढ़ा है कि प्राइसेस ज्यादा होंगे तो लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि डिमांड गिरेगी। तो ये बड़ी प्रॉब्लम थी टैक्सेस की कि देयर इज अ कैस्केडिंग इफेक्ट, लेकिन अभी ना कैस्केडिंग इफेक्ट को खत्म कर दिया। जीएसटी के आने के बाद कैस्केडिंग नहीं है, अभी सिर्फ एक टैक्स लगेगा और उसका नाम होगा जीएसटी। वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। कैस्केडिंग क्या था, कैस्केडिंग कैसे कैसे था, कैस्केडिंग कैसे खत्म हुआ, इन सब बातों को हम डिस्कस करेंगे। तीसरा रीजन था यूनिफॉर्मिटी। अगर मैं यूनिफॉर्मिटी की बात करूं तो पुराने जमाने में यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, जो वैट के रेट्स थे वो डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट थे। मतलब यहां पर दिल्ली में किसी एक पर्टिकुलर आइटम का वैट का रेट अलग है, पंजाब में उसी आइटम पर वैट का रेट अलग है, हरियाणा में उसी आइटम पर वैट का रेट अलग है। भाई मैं खरीदूं तो कहां से खरीदूं, मैं दिल्ली से खरीदूं, मैं पंजाब से खरीदूं, मैं हरियाणा से खरीदूं, मैं कहां से खरीदूं, हर स्टेट में सेम गुड्स का रेट भी अलग अलग हो जाता था। ये यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। यूनिफॉर्मिटी होना बहुत जरूरी है, किसी भी चीज के अंदर यूनिफॉर्मिटी का आना मस्ट है। तो जीएसटी यूनिफॉर्मिटी लेके आएगा। जीएसटी के आने से यूनिफॉर्मिटी हो गई है, जो गुड्स का रेट है वो एक पर्टिकुलर गुड्स का अगर कोई रेट है तो वो पूरे इंडिया में वही रेट रहेगा, वो गुड्स आप भले ही कहीं से भी खरीदें सेम रेट रहेगा। तो तीन रीजन थे जिसकी वजह से जीएसटी को लाया गया। मैं बोलूंगा रीजंस व्हाई जीएसटी केम इनटू एग्जिस्टेंस, क्यों लेके आए हम जीएसटी को, क्या नीड थी जीएसटी की। देखिए प्लीज, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है कि जीएसटी लाया क्यों गया, जीएसटी क्या है, ये तो दूसरा क्वेश्चन है। पहले है जीएसटी क्यों है, क्या पुराने टैक्सेस से हमें कोई समस्या है जो हम नए टैक्स के बारे में सोचें, क्या पुराने टैक्सेस में हमें कोई प्रॉब्लम हो रही है जो हम नया टैक्स लेके आने की सोचें। यस, हमें पुराने टैक्सेस से प्रॉब्लम है, पुराने टैक्सेस में मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस है, पुराने टैक्सेस में टैक्स ऑन टैक्स है, पुराने टैक्सेस में यूनिफॉर्मिटी नहीं है। हमें पुराना टैक्स नहीं चाहिए, हमें नया टैक्स चाहिए जिसमें मल्टीप्लिसिटी नहीं होनी चाहिए, सिंगल टैक्स होना चाहिए, जिसमें कैस्केडिंग नहीं होना चाहिए, एक बार टैक्स लगना चाहिए, और जिसमें यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। मेरा इंडिया एक इंडिया होना चाहिए, मैं यहां से खरीदूं या कहां से खरीदूं क्या फर्क पड़ता है, खरीद तो मैं इंडिया से रहा हूं। तो ऐसा टैक्स होना चाहिए, एक ऐसा टैक्स बनना चाहिए जिसका नाम जीएसटी बनाया गया, और फिर जीएसटी को लाया गया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आइए प्लीज मैं स्टार्ट करता हूं नंबर वन, मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस। मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस मतलब नंबर ऑफ टैक्सेस। 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस, पुराने 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस सबस्यूम्ड समा गए इन वन टैक्स, दैट इज जीएसटी। पुराने 17 टैक्सेस एक टैक्स में समा गए एंड दैट इज नोन एज जीएसटी। जीएसटी में 17 टैक्सेस को खत्म करके एक टैक्स बनाया गया, मामूली टैक्स नहीं है ये, 17 टैक्सेस को खत्म किया गया है। अच्छा, ये 17 टैक्सेस कौन लगाता था, क्या ये सिर्फ सेंट्रल लगाती थी या सेंट्रल और स्टेट दोनों लगाया करते थे? हां जी, जीएसटी जो 17 टैक्सेस खत्म हुए हैं इनमें से कुछ सेंट्रल लगाया करती थी, कुछ स्टेट लगाया करते थे। मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से सेंट्रल वाले खत्म हुए हैं और कौन कौन से स्टेट वाले खत्म हुए हैं। देखिए प्लीज, इनडायरेक्ट टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट भी लगाती है, लगाती थी इनफैक्ट, स्टेट गवर्नमेंट भी लगाती थी। जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाया करती थी वो कौन कौन से टैक्सेस थे, उनमें पहला था सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, जो मैन्युफैक्चरिंग पे लगती है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, वो खत्म कर दी गई, जीएसटी में समा गई, सबस्यूम्ड इन जीएसटी। दूसरा था ड्यूटीज ऑफ एक्साइज मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट, वो भी खत्म कर दी गई, एडिशनल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज
विच इज ऑन गुड्स ऑफ स्पेशल इंपोर्टेंस, वो भी खत्म कर दी गई. एडिशनल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज विच इज टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स. एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम कॉमनली नोन एज CVD. कस्टम एक्ट खत्म नहीं हुआ है, कस्टम एक्ट अभी भी है, कस्टम एक्ट पहले भी था, लेकिन कस्टम के ऊपर एक CVD लगा करती थी, वो खत्म कर दी गई है. एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम खत्म कर दिया गया है, कॉमनली नोन एज CVD. स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम, स्पेशल सैड हम इसको बोला करते थे, उसको CVD, इसको सैड, ये भी खत्म कर दिया गया. सर्विस टैक्स, वो भी खत्म कर दिया गया. सेंट्रल सरचार्जेस एंड सेस, बड़े तरह के सरचार्जेस थे, कृषि कल्याण सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर सेस, एजुकेशन सेस, सरचार्ज या सेस जो भी थे वो सब खत्म कर दिए गए. तो सेंट्रल लेवल पर 8 टैक्सेस को खत्म कर दिया गया. अगर मैं सेंट्रल लेवल की बात करूं तो 8 टैक्सेस खत्म कर दिए गए. फ्रेंड्स, इन 8 टैक्सेस के नाम आपको याद करने पड़ेंगे, बिकॉज आप हैं CS एग्जीक्यूटिव में, और CS एग्जीक्यूटिव में आता है 1 मार्क्स, और 1 मार्क्स का मतलब है MCQ. देखो, क्वेश्चन आ सकता है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज सब्स्यूम्ड इन GST, या आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट सब्स्यूम्ड इन GST, या ऐसा कि बताइए क्या सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी खत्म हो गई है या अभी भी लगेगी. मतलब इस तरह का क्वेश्चन 1 मार्क्स में बन सकता है, और 1 मार्क्स का आंसर हम तभी दे पाएंगे जब हमें हमारे टैक्सेस के नाम याद होंगे जो GST में सब्स्यूम्ड हो चुके हैं. और वो नाम मुझे याद है, वो नाम है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एक वो नाम है ड्यूटीज ऑफ एक्साइज मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट, वो नाम है एडिशनल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज गुड्स ऑफ स्पेशल इंपोर्टेंस, एडिशनल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, CVD, सैड, सर्विस टैक्स, सेंट्रल सरचार्जेस एंड सेसेस. तो ये 8 नाम आपको याद करने पड़ेंगे, और वो इसलिए करने पड़ेंगे क्योंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. प्रैक्टिकल लाइफ में तो इन नाम को याद करने की जरूरत ही नहीं है, जो खत्म हो गया वो खत्म, हम क्यों याद करें उनके बारे में, जो गया वो गया, खत्म बात. लेकिन भाई, हम लोगों ने तो एग्जाम देने हैं, और एग्जाम में तो कुछ भी पूछा जा सकता है, और पहला एग्जाम है वो तो पक्का पूछेगा, बताइए ये वाला टैक्स खत्म हुआ या नहीं हुआ, ये वाला टैक्स खत्म हुआ या नहीं हुआ, इट डेफिनेटली पूछेगा. चलिए प्लीज अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के कौन कौन से टैक्सेस खत्म हो गए. मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस चल रहा है हमारा, हमारा पहला रीजन चल रहा है वाई GST. पहला रीजन है मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस ओवर, और उनमें स्टेट गवर्नमेंट के कौन कौन से टैक्स खत्म हो गए. स्टेट वैट, यस, वैट सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लगाया करती थी और वो खत्म. सेंट्रल सेल टैक्स, हालांकि सेंट्रल सेल टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लगाया करती थी, लेकिन अल्टीमेटली इसका कलेक्शन तो स्टेट ही किया करती थी, और ये अल्टीमेटली मिलता भी स्टेट को था, इसलिए ये स्टेट के हिसाब से खत्म हुआ है, हमने इसे स्टेट की लिस्ट में से खत्म किया है. लग्जरी टैक्स, जैसे होटल वगैरह है वहां पर जो टैक्सेस लगते हैं वो लग्जरी टैक्स होता है, अब आप होटल में जाएंगे तो वहां भी GST लगेगा, लग्जरी टैक्स नहीं लगेगा. एंट्री टैक्स, जब कोई सामान सिटी में आया करता था तो ऑक्ट्रॉय नाम का एक एंट्री टैक्स लगता था, वो भी खत्म. एंटरटेनमेंट एंड अम्यूजमेंट टैक्स, अगर आप किसी फन एंड फूड विलेज या वाओ, या अगर आप किसी भी एसल वर्ड, अगर आप मुंबई से हैं तो एसल वर्ड, जो भी फन एंड फूड टाइप के, मतलब जो एंटरटेनमेंट इवेंट्स होते हैं या जो अम्यूजमेंट्स हैं, ये सब खत्म कर दिए गए. एंटरटेनमेंट टैक्स खत्म कर दिया गया, मूवीज पर लगने वाला एंटरटेनमेंट टैक्स खत्म कर दिया गया, उनकी जगह भी GST लगेगा. लेकिन जिन जिन स्टेट में एंटरटेनमेंट टैक्स एंड अम्यूजमेंट टैक्स लेविड बाय द लोकल अथॉरिटी था, वो अभी भी लगेगा, वहां पर GST एप्लीकेबल नहीं होगा. मतलब आप इसको ऐसे याद कर लो, जिन स्टेट में एंटरटेनमेंट टैक्स एंड अम्यूजमेंट टैक्स स्टेट लगाया करती थी वो तो GST में सब्स्यूम्ड हो गया, और जिन स्टेट में एंटरटेनमेंट टैक्स एंड अम्यूजमेंट टैक्स लोकल बॉडी लगाया करती थी, यानी कि MCD लगाया करती थी, वो सब्स्यूम्ड नहीं हुआ है. यानी कि अगर क्वेश्चन आएगा आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन विच एज टैक्स इज सब्स्यूम्ड इन GST, और उसमें लिखा हो कि एंटरटेनमेंट एंड अम्यूजमेंट टैक्स लेविड बाय द लोकल बॉडी या लोकल अथॉरिटी, वो आप सब्स्यूम्ड नहीं मानेंगे, क्योंकि वहां पर GST नहीं लगेगा. देखो, मैं यहां पर ना एक छोटी सी, अगर आप बोलो तो डायग्राम बना देता हूं, तो डायग्राम विल बी मोर कंफर्टेबल. जैसे एंटरटेनमेंट एंड अम्यूजमेंट टैक्स की बात है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, दो पार्ट में डिवाइड कर लो आप. अगर इट इज लेविड बाय स्टेट गवर्नमेंट है, तो ये हो गया सब्स्यूम्ड इन GST,
subsumed in GST. और अगर entertainment and taxes हैं, अगर these are levied by local bodies हैं, जो state की local bodies हैं, यानी कि कोई MCD वगैरह है, तो these are not subsumed in GST. Not subsumed in GST. मतलब इसके ऊपर जो है, वो entertainment tax या amusement tax, जैसे पहले लगता था, वैसे ही लगेगा. फिर है टैक्स ऑन एडवर्टीजमेंट. जो एडवर्टीजमेंट पे टैक्स लगा करता था वो भी हट गया, उसकी जगह भी जीएसटी आ गया. फिर लगता था परचेज टैक्स, वो भी हट गया. फिर लगता था टैक्सेस ऑन लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, वो भी हट गया. सेंट्रल सरचार्जेस, सॉरी स्टेट सरचार्जेस एंड सेसेस, जो कि गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड थे, वो भी हट गए. तो प्लीज, स्टेट गवर्नमेंट में 9 टैक्स को हटाया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट में 8 टैक्सेस को हटाया गया है. अगर मैं 9 टैक्स की बात करूं, वैट, सीएसटी, दो तो हट गए, लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स 4, एंटरटेनमेंट टैक्स 5, एडवर्टीजमेंट 6, परचेज 7, लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग 8, स्टेट सरचार्जेस एंड सेसेस 9. तो 9 ये और 8 वो, 9 और 8, 17 टैक्सेस को इंडिया में सबस्यूम्ड कर दिया, यानी कि समा गए इन वन टैक्स, एंड दैट इज जीएसटी. तो फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांस है. बताइए प्लीज आप लोग मुझे, कितने टैक्सेस को खत्म करके जीएसटी आया है? प्लीज टेल मी, कितने टैक्सेस को खत्म करके जीएसटी आया है? हां जी, प्लीज बताइए बताइए. मैं आपको देख पा रहा हूं, सॉरी देख नहीं पा रहा हूं, लेकिन महसूस कर पा रहा हूं कि आप मेरी वीडियो देख रहे हो, और मैं जानता हूं आप बता रहे हैं साथ साथ कि कितने टैक्सेस खत्म हो गए हैं. 17. 9 टैक्सेस खत्म हो गए हैं स्टेट के, 8 टैक्सेस खत्म हो गए हैं सेंटर के, 17 टैक्सेस. अच्छा एक बात बताओ, अगर एंटरटेनमेंट और अम्यूजमेंट टैक्स लोकल बॉडी लगाता है स्टेट के अंदर, स्टेट नहीं लगाता है, तो क्या ये जीएसटी के आने से खत्म हो जाएगा? नो. क्या कस्टम एक्ट जो पहले लगता था इंटरनेशनल लेवल पर, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगता है, क्या वो खत्म हो गया? नो. कस्टम नहीं खत्म हुआ, एंटरटेनमेंट एंड एम्यूजमेंट टैक्स इफ लेविड बाय द लोकल अथॉरिटी, वो नहीं खत्म हुआ. तो आप कह सकते हो अभी आज के दिन जो इनडायरेक्ट टैक्स की पोजीशन है ना, वो दो है. ये एंटरटेनमेंट एंड एम्यूजमेंट टैक्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो खाली लोकल बॉडीज वाला माफ किया है. लेकिन प्रैक्टिकली हम देखें तो दो ऐसे टैक्सेस हैं जो अब इंडिया में इनडायरेक्ट टैक्सेस के नाम से प्रवेल करेंगे. एक प्रवेल करेगा कस्टम एक्ट 1962 और एक करेगा जीएसटी. तो दो एक्ट अब इंडिया में प्रवेल करेंगे, एक कस्टम एक्ट और एक जीएसटी. आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहां तक. आइए प्लीज एडवांटेजेस. ये एडवांटेजेस जो मैं करवाने जा रहा हूं, ये जीएसटी के एडवांटेज नहीं है अभी, ये एडवांटेजेस है मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्स खत्म होने के. अगर मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस खत्म हो जाएंगे, अगर नंबर ऑफ टैक्सेस खत्म हो जाएंगे, एक सिंगल टैक्स आ जाएगा, तो उसके एडवांटेजेस क्या होंगे, ये है. एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो एक एडवांटेज है लेस कंप्लायंस. लेस कंप्लायंस का मतलब आपको क्या लगता है? अब आपको पहले कितना, बहुत सारे लोगों को जवाब देना है, एक्साइज डिपार्टमेंट के अलग फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, स्टेट डिपार्टमेंट, वैट डिपार्टमेंट के अलग, या एक. अभी आपको सिर्फ जीएसटी का फॉर्मेलिटी पूरा करना है, इसलिए ये लेस कंप्लायंस है. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ऑब्वियसली अगर कंप्लायंस कम होगा तो बिजनेस करना आसान होगा. तो ऑब्वियसली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. आइए, मेरा दूसरा रीजन, सेकेंड मेन रीजन वाई जीएसटी केम इन टू एग्जिस्टेंस, वाई जीएसटी ब्रिंगिंग इन टू इंडिया, वाई जीएसटी, दूसरा रीजन है कैस्केडिंग इफेक्ट. कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब है टैक्सेस, टैक्स ऑन टैक्स. पहले अर्लियर अगर मैं बात करूं, अगर मैं पुरानी बात करूं, जब एक्साइज लगता था, जब वैट लगता था, सीएसटी लगता था, तो टैक्स नहीं, टैक्स ऑन टैक्सेस लगते थे, क्योंकि मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस थे और देयर आर टैक्स ऑन टैक्सेस. पहले क्या होता था, कैस्केडिंग इफेक्ट दैट इज टैक्स ऑन टैक्स. मान लीजिए एक मैन्युफैक्चरर है और मैन्युफैक्चरर ने कोई गुड्स बनाई जिसकी वैल्यू है 100 रुपए. तो मैन्युफैक्चरर है, गुड्स बनाई 100 रुपए, डिपार्टमेंट कहता है क्योंकि आपने गुड्स बना दी है, अब इसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लेवी हो गई है. आप बेचो नहीं बेचो ये बात की बात है, लेकिन एक्साइज ड्यूटी तो बनाने पे लगती है, क्योंकि आपने गुड्स को प्रोड्यूस किया है, एक्साइज ड्यूटी तो बनती है, वो तो हम आपसे लेके रहेंगे. और एक्साइज ड्यूटी के नाम का उन्होंने चार्ज किया 10%, लेट अस से एग्जांपल के लिए 10% और 10 रुपए. अभी उसकी वैल्यू बन गई 110.
110 रुपए टैक्स लगेगा, मतलब 10 रुपए टैक्स और 100 रुपए गुड्स। फिर वो उन गुड्स को रिमूव करेगा यानी कि बेचेगा तो वैट लगेगा, अगर वो अपनी स्टेट में बेचेगा, अगर किसी और स्टेट में बेचेगा तो सीएसटी लगेगा, अगर वो बेचेगा तो वैट लगेगा। वैट लगता है मान लो 10%, एक बार मैं एग्जांपल मान लेता हूं कि 10% लगता था, तो 10% अब 100 रुपए पे नहीं लगेगा, 10% लगेगा 110 के ऊपर, मतलब जो एक्साइज ड्यूटी आपने पे की थी उसके ऊपर भी वैट लगा दिया, यानी कि टैक्स के ऊपर टैक्स लगा दिया, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी भी टैक्स था और वैट भी टैक्स था। और जब टैक्स ऑन टैक्स होगा तो ये कैस्केडिंग होगा, फिर कहां का टैक्स, कौन सा, मतलब ये क्या सिस्टम है, आपको एक टैक्स देना है फिर टैक्स के ऊपर भी टैक्स देना है, दो टैक्स देने और दूसरे वाला तो टैक्स के ऊपर टैक्स देने, वेरी बैड वेरी बैड। जीएसटी का आना तो तय था, एक ना एक दिन तो आना ही था, बिकॉज ऐसा होगा फिर तो होगा यार, आना ही होगा जीएसटी को। और फिर देखिए आपकी वैल्यू बन गई 121, ये तो गलत बात थी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि जब जीएसटी आएगा तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जीएसटी एक सिंगल टैक्स होगा, अगर जीएसटी एक सिंगल टैक्स होगा तो ऐसा होगा ही नहीं कि पहले टैक्स लगे फिर वैल्यू आए फिर टैक्स लगे, ऐसा क्यों होगा। जब जीएसटी आएगा और जीएसटी सिंगल टैक्स होगा तो बस एक बार टैक्स लगेगा, बात खत्म हो जाएगी, हम बार बार टैक्स लगाएंगे नहीं, टैक्स के ऑन टैक्स लगाएंगे नहीं, हम सिंगल टैक्स लगाएंगे, बस वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। दो टैक्स नहीं होंगे तो मल्टीप्लिसिटी नहीं होगा, मल्टीप्लिसिटी नहीं होगा तो कैस्केडिंग होगा कैसे। हां जी, आई होप आप लोगों को कैस्केडिंग समझ आया, लेकिन कैस्केडिंग का पॉइंट यहीं खत्म नहीं होता, कैस्केडिंग एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अगर मैं कैस्केडिंग की बात करूं तो कैस्केडिंग कोई छोटा मोटा पॉइंट नहीं था, कैस्केडिंग को तो मैं और एक्सप्लेन करने वाला हूं, क्योंकि जब तक आप कैस्केडिंग को नहीं समझोगे आप जीएसटी को इंटरनली फील नहीं कर पाओगे। रट्टा भले ही मार लो आप, लेकिन जीएसटी को फील करना है तो आपको कैस्केडिंग को फील करना पड़ेगा। सुनिए, मान लीजिए मैं एक वैट डीलर हूं, मैं दिल्ली में सामान बेचता हूं, ध्यान से सुनना, मैंने दिल्ली में सामान बेचना है, मैंने सामान पंजाब से खरीद लिया, मैं दिल्ली का रहने वाला हूं, मैं दिल्ली में रजिस्टर्ड हूं, मैं दिल्ली का डीलर हूं, मैं दिल्ली का वैट डीलर हूं, लेकिन मैंने सामान कहां से खरीदा, पंजाब से। क्या मैंने गुनाह कर दिया, क्या पंजाब मेरे इंडिया का पार्ट नहीं है, क्या पंजाब अलग है, पंजाब भी तो इंडिया में ही है। मैंने पंजाब से सामान खरीदा, जिसको जिससे मैंने सामान खरीदा उसने मुझसे सीएसटी चार्ज किया, कोई बात नहीं जो भी टैक्सेस है मैं दूंगा, क्योंकि सीएसटी क्यों चार्ज किया, क्योंकि ये इंटर स्टेट परचेज थी मेरे लिए, उसके लिए इंटर स्टेट सेल थी, वो पंजाब से दिल्ली में बेच रहा है उसने मेरे से सीएसटी चार्ज किया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीएसटी चार्ज कर लो। प्रॉब्लम मुझे तब हुई जब मैंने इन गुड्स को अपनी स्टेट में बेचा और दिल्ली ने मुझे कहा कि हम आपको सीएसटी का क्रेडिट नहीं देंगे और उस सीएसटी को आपका कॉस्ट का पार्ट मानेंगे और उसे क्रेडिट भी नहीं देंगे आपको। और जब मुझे क्रेडिट नहीं मिला तो वो टैक्स ऑन टैक्स हो गया। जब मैंने दिल्ली में बेचा तो मैंने कस्टमर से वैट चार्ज किया, ऑब्वियसली, क्योंकि मैं तो दिल्ली में हूं, दिल्ली में बेच रहा हूं, मैं तो कस्टमर से वैट चार्ज करूंगा। गवर्नमेंट मुझे कहती है जो सीएसटी तुम पे करके आए हो वो अपनी कॉस्ट में जोड़ो और उसके ऊपर वैट चार्ज करो, मतलब सीएसटी के ऊपर भी वैट चार्ज करना पड़ा। हो गया ना कैस्केडिंग, हो गया ना टैक्स ऑन टैक्स, जो सीएसटी पे करके आया वो भी तो टैक्स था और वैट जो है वो भी तो टैक्स है, वो भी उसके ऊपर लग रहा है। तो ये पहला था कैस्केडिंग, कैस्केडिंग लगता है। अभी बात यहां खत्म नहीं हुई, बात इतनी खत्म होती तो बात ही क्या थी। अच्छा एक बात बताओ, अगर ऐसा होगा तो क्या मैं पंजाब से खरीदूंगा, नहीं खरीदूंगा, मुझे मजबूर कर दिया दिल्ली से खरीदो, पंजाब से खरीदोगे तो सीएसटी नहीं देंगे आपको, सीएसटी आप दे के आओगे हम क्रेडिट नहीं देंगे, हरियाणा से खरीदोगे सीएसटी दे के आओगे हम क्रेडिट नहीं देंगे, राजस्थान से खरीदोगे, एमपी से खरीदोगे, बिहार से खरीदोगे, पंजाब मुंबई से खरीदो, खरीदो दो सीएसटी दूसरी स्टेट को, हम नहीं देंगे आपको क्रेडिट। मैंने कहा जी मैं नहीं खरीदूंगा मालिक, मैं तो दिल्ली से ही खरीदा करूंगा। वन नेशन कहां है, वन नेशन, हर स्टेट अपने आप में नेशन बन गया, दिल्ली अलग कंट्री बन गया, पंजाब अलग कंट्री बन गया, ना भाई दूसरी से नहीं खरीदना, हमारी कंट्री हमारा स्टेट कलेक्ट वो नहीं देता, क्रेडिट नहीं देता। दिस इज वेरी रॉन्ग, गलत था, जीएसटी का आना तय था, जीएसटी का आना बिल्कुल तय था। बात यहां खत्म नहीं है, मैं वैट डीलर हूं, मैं वैट डीलर हूं, मैं दिल्ली में सामान बेचता हूं, मैं दिल्ली से खरीदता हूं। अब मैंने कहा जी मैं दिल्ली से खरीदूंगा, बोले वेरी गुड, दिल्ली से खरीदोगे तो क्रेडिट दे देंगे। मैंने कहा जी मैं दिल्ली से खरीदूंगा, बिल्कुल चिंता ना करें, मैं बाहर से नहीं खरीदूंगा, बोले वेरी गुड, तो मजबूर आदमी हूं, मान गया दिल्ली से खरीदने के लिए। मैंने दिल्ली से, अच्छा मैं अभी आप अज्यूम करिए मैं फर्नीचर सेल करता हूं,
मैं फर्नीचर बेचता हूं, मैं फर्नीचर खरीदता हूं, फर्नीचर बेचता हूं, फर्नीचर खरीदता हूं, फर्नीचर, आई एम ए ट्रेडर, मैं परचेज सेल करता हूं फर्नीचर की। मैंने दिल्ली से ही फर्नीचर खरीदा, तो जिससे मैंने खरीदा उसने मुझसे वैट चार्ज किया होगा। गवर्नमेंट कहती है इस वैट का आपको क्रेडिट देंगे, बिल्कुल टेंशन मत लो। मैंने कहा थैंक यू सर, ये तो बड़ी अच्छी बात है, चलो कोई बात नहीं, दिल्ली ही सही। लेकिन जो सामान मैंने दिल्ली से खरीदा वो थोड़ा दूर था दुकान, उस दुकान वाले ने वो सामान एक ट्रक में भेजा, ट्रक में आएगा सामान। अब मान लो 500 कुर्सियां मैंने परचेज की हैं, तो 500 कुर्सियां तो ट्रक में आएंगी, और ट्रक वाले ने मेरे से चार्ज किया भाड़ा यानी कि फ्रेट, और फ्रेट पर ट्रक वाले ने मुझसे चार्ज किया सर्विस टैक्स। बोला सर मैं तो आपको सर्विसेज दे रहा हूं, मैं तो आपसे सर्विस टैक्स लूंगा। मैंने कहा भाई साहब कोई बात नहीं, जो इंडिया के लॉज हैं वो तो हम सारे फुलफिल करेंगे, आप सर्विस टैक्स लो। और जब मैंने उसको सर्विस टैक्स दिया और जब मैं उस फर्नीचर को बेचने लगा, गवर्नमेंट कहती है हम आपको इस सर्विस टैक्स का क्रेडिट नहीं देंगे। मैंने कहा जी मैंने तो दिल्ली से ही पे किया है। बोले अरे दिल्ली में पे किया है लेकिन पे वैट तो नहीं किया, वो तो सर्विस टैक्स है। जो फर्नीचर पर वैट पे किया है उसका क्रेडिट तो दे देंगे, लेकिन जो सर्विस टैक्स पे किया है ट्रांसपोर्ट वाला उसका क्रेडिट नहीं देंगे। मैंने कहा अब क्या समस्या हो गई? बोले सर्विस टैक्स सेंट्रल का है, वैट स्टेट का है, हम तो स्टेट वाले हैं, हम क्यों दे सेंट्रल वालों को क्रेडिट? लो बताओ अब मैं क्या करूं? वन नेशन वन इंडिया, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, मुझे जरूरत थी वन नेशन वन मार्केट की, वन टैक्स की। ये गलत कर रहे थे मेरे साथ। मैं दिल्ली से फर्नीचर खरीदूंगा ओके, मुझे इनपुट वैट का क्रेडिट मिलेगा, लेकिन मैं सर्विसेज तो लूंगा उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। बताओ और सुनिए, अगर मैं सर्विस प्रोवाइडर हूं, इफ आई एम ए सर्विस प्रोवाइडर, तो मुझे सर्विसेज का क्रेडिट मिलता है, एक्साइज ड्यूटी का भी मिलता है। अगर मैंने कोई गुड्स खरीदी हैं उन पर कोई एक्साइज ड्यूटी लगी है तो क्रेडिट मिलेगा। मैं सर्विस प्रोवाइडर हूं, मैं सेंट्रल वालों का बंदा हूं, एक्साइज भी सेंट्रल का है, लेकिन जो गुड्स मुझे बेची गई हैं उन पर जो वैट चार्ज किया गया उस वैट का क्रेडिट नहीं मिलेगा। जब मैं सर्विस दूंगा और सर्विस टैक्स लूंगा तो उसमें से मुझे वैट का क्रेडिट नहीं मिलेगा, सिर्फ एक्साइज ड्यूटी का मिलेगा और सर्विस टैक्स का मिलेगा। अरे मैं क्या करूं, मुझे कहीं क्रेडिट नहीं मिलता, कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्रेडिट में रुकावट आई जाती है। मैंने कहा मालिक एक ऐसा जीएसटी लेके आओ जहां इन क्रेडिटों की रुकावट ना आए और क्रेडिट मिलने लग जाए। प्लीज आप मुझे बताइए कैस्केडिंग समझ में आया नहीं आया? कैस्केडिंग का मतलब है टैक्स ऑन टैक्स, और टैक्स ऑन टैक्स का मतलब है क्रेडिट ना मिलना। जब हमें किसी टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलता तो वो टैक्स हमारी कॉस्ट का पार्ट बन जाता है। ऑब्वियसली अगर गवर्नमेंट मुझे टैक्स क्रेडिट नहीं देगी तो ना दे, मैं क्या अपनी जेब से पैसे भरूंगा? मैं तो कस्टमर से लेके रहूंगा, कस्टमर से लेने के लिए मुझे कॉस्ट में जोड़ना पड़ेगा, मेरी गुड्स ऑब्वियसली महंगी हो जाएंगी, नेचुरली बात है थोड़ी कम बिकेंगी, लेकिन मैं अपनी जेब से नहीं दूंगा, मैं तो कस्टमर से लूंगा। प्लीज तो इन सभी प्रॉब्लम्स को देखते हुए ना यही सोचा गया कि कोई ऐसा सिस्टम इंडिया में आना चाहिए जहां टैक्सेस का क्रेडिट मिलने लग जाए। अगर टैक्सेस का क्रेडिट मिलने लग गया तो फिर ये प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। और जीएसटी लाया गया जो कहता है आप दूसरे समान देश से, आप दूसरे स्टेट से खरीदिए या अपने स्टेट से खरीदिए, हम आपको पे किए हुए जीएसटी का क्रेडिट देंगे। आप गुड्स खरीदिए, आप सर्विसेज खरीदिए, हम आपको जीएसटी का क्रेडिट देंगे। मेरी बात सुनिए, पहले मैं वैट डीलर था, मैं गुड्स में डील करता था, मुझे सर्विसेज का क्रेडिट नहीं मिलता था। मैं सर्विस डीलर था, मुझे वैट का क्रेडिट नहीं मिलता था। अब मैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का डीलर हूं, अब तो मैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में आ गया हूं। मैं भले गुड्स खरीदूं भले सर्विसेज खरीदूं, मुझे तो दोनों का क्रेडिट मिलेगा। मैं भले दिल्ली से खरीदूं भले पंजाब से खरीदूं, मुझे दोनों का क्रेडिट मिलेगा। बताइए अब मैं कह सकता हूं या नहीं कह सकता, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। यस, अब है वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। क्यों? क्योंकि अब मैं कहीं से भी खरीदूं मेरे टैक्सेस में कोई रुकावट नहीं आने वाली, मेरे टैक्सेस में कोई रुकावट नहीं आने वाली, मुझे हर जगह से टैक्सेस का क्रेडिट मिलने वाला है। तो प्लीज मैंने आपको कैस्केडिंग इफेक्ट करवा दिया है। अगर मैं कैस्केडिंग इफेक्ट के बारे में कुछ लिखूं, एज वी नो दैट ट्रेडर विल नॉट गेट द बेनिफिट क्रेडिट ऑफ एक्साइज ड्यूटी। जो ट्रेडर थे ना उन्हें एक्साइज ड्यूटी का ना सर्विस टैक्स का, सो देयर इज ए कैस्केडिंग इफेक्ट दैट इज टैक्स ऑन टैक्स, और इसे खत्म किया गया। तीसरा रीजन मैंने आपको बताया था कि जो टैक्सेस को लेके जीएसटी को लेके आने का तीसरा रीजन था वो था यूनिफॉर्मिटी। पहले यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी।
बड़ी प्रॉब्लम थी, आज यूनिफॉर्मिटी है, पहले नहीं थी। कैसे नहीं थी यूनिफॉर्मिटी? देखो, पहले पॉइंट में अगर मैं बात करूं टैक्सेबल इवेंट की, टैक्सेबल इवेंट मतलब ऐसा कौन सा इवेंट होगा जब टैक्सेबिलिटी अराइज होगी। मैन्युफैक्चर होगा तो एक्साइज ड्यूटी अराइज होगी, सेल होगा तो वैट या सीएसटी अराइज होगा, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड और टू बी प्रोवाइडेड होगा तो सर्विस टैक्स होगा। देर आर नंबर ऑफ टैक्सेबल इवेंट। अगर मैंने सेल कर दी सेल टैक्स लगेगा, अगर मैंने मैन्युफैक्चर कर दिया एक्साइज ड्यूटी लगेगा, अगर मैंने सर्विसेज दे दी सर्विस टैक्स लगेगा। ओ माय गॉड, देर आर सो नंबर ऑफ टैक्सेस, सो नंबर ऑफ टैक्सेबल इवेंट्स। नाउ देर इज वन टैक्सेबल इवेंट, प्लीज मेरी बात ध्यान सुनना, देर इज वन टैक्सेबल इवेंट एंड दैट इज सप्लाई। एक नया शब्द आया है जीएसटी के अंदर, उसका नाम है सप्लाई। सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज और सप्लाई ऑफ बोथ। इफ देयर इज ए सप्लाई वेदर ऑफ गुड्स वेदर ऑफ सर्विसेज और बोथ तो जीएसटी लगेगा। इफ देयर इज ए नो सप्लाई देयर विल नॉट बी जीएसटी, इफ देयर इज ए सप्लाई देयर विल बी जीएसटी। टैक्सेबल इवेंट आज एक है, मैं जानता ही नहीं सेल क्या होती है, मुझे पता ही नहीं, मैं जानता ही नहीं मैन्युफैक्चर क्या होता है, मैं जानता ही नहीं सर्विसेज क्या होती है, मैं जानूंगा सिर्फ सप्लाई, मैं पढ़ूंगा सिर्फ सप्लाई। अगर सप्लाई है तो सर्विस टैक्स है, सॉरी जीएसटी है, अगर सप्लाई नहीं है तो जीएसटी नहीं है। मुझे नहीं पता अब सेल क्या होता है, मुझे नहीं पता सर्विसेज क्या होता है, मुझे नहीं पता मैन्युफैक्चर क्या होता है। आप मुझसे पूछो सर मैन्युफैक्चरिंग किया कोई टैक्स लगेगा, मैं बोलूंगा मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, मैं बताऊं? मुझे नहीं पता, मैं तो यह बता सकता हूं सप्लाई है या नहीं है। अगर वो सप्लाई है तो मैं जीएसटी लगाऊंगा, अगर सप्लाई नहीं है तो जीएसटी नहीं लगाऊंगा। प्लीज मेरे फ्रेंड्स, सप्लाई कोई छोटा सा वर्ड नहीं है, सप्लाई बहुत बड़ा वर्ड है, सप्लाई बहुत वास्ट वर्ड है, सप्लाई के अंदर बहुत सारी बातें शामिल हैं। सप्लाई सेक्शन 7 में डिफाइंड है और सेक्शन 7 में बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है। सप्लाई के साथ साथ तीन स्केड्यूल दिए हैं, तीन स्केड्यूल में सप्लाई के बारे में लिखा हुआ है, सप्लाई से रिलेटेड बड़ी सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, तब जाकर एक सप्लाई का मीनिंग बन के आता है सामने। 2 से 3 क्लासें लग जाती हैं सिर्फ सप्लाई को डिफाइन करने में, तब जाकर हम जान पाते हैं सप्लाई है क्या, बिकॉज टैक्सेबल इवेंट है सप्लाई। अगर आपको टैक्स लगाना है तो आपको बताना है कि सप्लाई है टैक्स लगेगा, सप्लाई नहीं है टैक्स नहीं लगेगा। तो अब टैक्सेबल इवेंट एक है, तो यूनिफॉर्मिटी का पहला पॉइंट, पहले यूनिफॉर्मिटी के नाम पे बहुत सारे टैक्सेबल इवेंट थे, आज यूनिफॉर्मिटी के नाम पर एक टैक्सेबल इवेंट है और वो है सप्लाई। वैट रेट, अगर मैं पुराने जमाने की बात करूं ना तो डिफरेंट रेट फॉर डिफरेंट स्टेट्स, मुझे डिफरेंट गुड्स पर डिफरेंट रेट होने पर एतराज नहीं है, वो तो होना भी चाहिए, भला सारी गुड्स पर एक जैसा रेट क्यों हो भाई? नमक तो सारी दुनिया यूज करती है, गरीब भी अमीर भी, उस पर क्यों लगाएं बड़ा टैक्स? लेकिन 10 लाख से ऊपर वाली कार या 20 लाख से ऊपर वाली कार, लग्जरी कारें, वो तो अमीर लोग ही यूज करते हैं, उस पर लगा सकते हो आप हाई टैक्स? प्लीज मुझे जो गुड्स के रेट हैं वो डिफरेंट गुड्स पर डिफरेंट रेट होने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन एक ही गुड्स पर इस स्टेट में कोई और रेट, किसी और स्टेट में कोई और रेट, इससे मुझे समस्या है, मुझे इससे प्रॉब्लम है। मैं ये नहीं चाहता कि एक ही स्टेट में सारी गुड्स पर सेम रेट हो, बिल्कुल डिफरेंट गुड्स पर डिफरेंट रेट होने भी चाहिए, डिफरेंट गुड्स पर डिफरेंट रेट होने भी चाहिए, कोई गलत नहीं है, लेकिन डिफरेंट गुड्स पर डिफरेंट रेट तो ठीक, लेकिन गुड्स पर रेट जो है ना वो पूरी सारी स्टेट में सेम होना चाहिए। अगर जैसे मैं बोलूं, अगर मिल्क है, आज के दिन मान लो मिल्क पर कोई जीएसटी नहीं लगता, तो वो पूरे इंडिया में सेम होना चाहिए कि मिल्क के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा पूरे इंडिया में, चाहे कहीं से भी मिल्क परचेज किया जाए जीएसटी कहीं नहीं लगना चाहिए। या अगर गोल्ड पर आज के दिन 3% रेट, अगर मैं एग्जाम्पल के लिए बात करूं, तो वो रेट पूरे इंडिया में सेम होना चाहिए, जीएसटी का रेट इंडिया में सेम होगा, तो नाउ देयर विल बी यूनिफॉर्म रेट्स, नाउ देयर विल बी यूनिफॉर्म रेट्स। तो आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा। मेरे फ्रेंड्स, ये जीएसटी की हमने पहली क्लास ली है, आज इंट्रोडक्टरी क्लास, अभी इंट्रोडक्टरी क्लास खत्म नहीं हुई है, इंट्रोडक्टरी क्लास का सेकेंड सेशन अभी और अपलोड होगा, लेकिन
अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, हमारी जीएसटी का सारा कंप्लीट कोर्स आपको पेन ड्राइव में अब अवेलेबल होगा। आप चाहें तो ये पेन ड्राइव खरीद सकते हैं। हम आपको इसके लिए नंबर्स फोन नंबर प्रोवाइड करेंगे जो कि आपकी स्क्रीन पे चल रहे होंगे इस वक्त। फोन नंबर मैं आपको फोन नंबर दे दिया मैंने आपको, ये नंबर्स के थ्रू आप हमारी पेन ड्राइव परचेज कर सकते हैं। ये पेन ड्राइव में पूरा जीएसटी होगा, हमारी बुक होगी, एमसीक्यू बुक होगी, और जितना भी दिसंबर 2017 एग्जाम में आना है वो कंटेंट कंप्लीटली कवर्ड होगा। 30 मार्क्स में से 30 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं अगर आप अच्छे से इन वीडियोस को देख लेते हैं और साथ साथ स्टडी करते हैं। फ्रेंड्स, तो यू कैन कॉल एट द फॉलोइंग नंबर्स फॉर योर पेन ड्राइव्स। जस्ट बुक योर पेन ड्राइव एज फास्ट एज पॉसिबल, ओके, एज सून एज पॉसिबल। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।